कैसी हालत है? देखिए हम बच्ची के हम 11 बजे प्रतिदिन फोन करते हैं। हम जब ड्यूटी से आते हैं तो हम पढ़ते हैं, पटना में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गार्ड पर। हम प्रतिदिन बच्ची को फोन करते हैं। हम जब फोन किए तो बच्ची मेरा मैंने फोन कट हो जा रहा है, तो हम वही टेंशन हो गया मेरा फोन कट क्यों हो रहा है, आज तक फोन मेरा कट हुआ नहीं। इस टाइम हम प्रतिदिन जब फोन करते हैं 11 बजे तो कट क्यों हुआ? उसके बाद हम जैसे हो सकता है सो गई होगी, मतलब डांट नहीं किए। उसके बाद वो दोबारा 11:30 में फोन किए, पापा हमारे साथ ऐसे गलत हो गया। तो फिर हम वहाँ से टेम्पो रिजर्व करके भागल भागल हो गए। क्या बताई कितने लोग थे? अब तो नाम वही बता सकती है कौन कौन था। हम तो रहते नहीं है घर पे। क्या बताए क्या लोग इसके? जी क्या बताऊँ, अब क्या बताएगी? वो तो कौन लड़का सा था जो बदमाशी किया, तो वही ना बदनाम बताया सकते। बता दे, हम तो नहीं बता सकते ना कुछ। बता सकते आप उस समय कहाँ थे? हम पटना में काम करते हैं। फिर आप वहाँ से आए? जी हम पति पत्नी पटना में रहते हैं, दादी के साथ हमारे बच्चे। अच्छा, फिर आप उसको लेकर के फातेपुरा जाए? फातेपुर हम थाना इन्फॉर्म किए जी। थाना जब एम्बुलेंस करके उसको फातेपुर लाया गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रेफर कर दिया हाजीपुर। अभी हाजीपुर में ट्रीटमेंट चालू। अभी तो इमरजेंसी में दिखाया गया था, क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर साहब इसमें है, घर ट्रांसफर कर दिया। हालत कैसा है बच्चे? आप लोग के नजर के सामने है, देख ही रहे हैं। इसको लगा कुछ नशा वगैरह खिला करके भी कुछ गलत किया। उसको क्या कहता है, बाथरूम साफ करने वाला जिस आता है ना, वही मुँह में पिला दिया है, नाक बंद करके वही पिला दिया है। और कहाँ किया घटना? ये पातेपुर हमारे गाँव में, ख्वाजपुर बस्ती, ख्वाजपुर गाँव। कोई आम बगीचा वगैरह में? हाँ, मेरा गाछी है। कितना लोग से था सर? अब कितने, 4-5 लोग से कम तो नहीं रहेंगे। क्या हम सुतल थे? अच्छा, क्या मिला जानकारी? क्या तो हम सुतल थे ना, तो हम कोई नहीं जगाए। अच्छा। वही गेट खोल दिया ना, वही जगह पर 5 गो लौंडा तो ठहरा था, वही मुझे चाट दिया। ये फोन कैले था, ये उसको पप्पा है। अच्छा। फोन कैले था ना, तो गाड़ी पर के मोबाइल भी छीन लिया। गड़मरवा इसको फोन कैले, मोबाइल छीन, तो मोबाइलो छीन लिया, मुँह चाप गया। कहाँ ले गया? क्या उसी जगह गाछी थी? अच्छा। हमको नहीं जगाई, जब आई है ना तब हमको रोलाई रोलाई, हमको की भेलो दीवानी, की भेलो काल, हम कहे गैस उस बन गया, की भेलो न दादी ऐसे से बात हो, हम ना बचबो। हमारा पापा के बोला कि फिर आता बताइ, उसके बाद बोलिए बात कर बहुत गवाही में हम पाँचों कुछ गलत किया बच्चे। गलत किया है बहुत। ये तो नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है। हाँ, कितना है, 15 साल है, 16 चल ये कैसे चली घर से बाहर आपने? अरे उठ के बाथरूम नहीं गई। हाँ। है कले पर है बाल्टी छोटा, पानी लेके जाती, पहले गेटे खोल दिया ना, वही दरवाजा के गेट खोल दिया, उसी जगह जाने सब था पहले से सब। कहाँ कहाँ हुआ आपका घर? ख्वाजपुर है, वैशाली जिला में ख्वाजपुर। आई सब कहाँ का है लड़का सब? लड़का सब कहाँ का है? लड़को है मोहल्ले भर के। मैडम ये बलीगांव का मामला है, क्या हुआ है मामला? बच्ची को लाया गया है जी, बताइए थोड़ा सा। बोला नहीं क्या? नहीं नहीं, आप लेके आए, आप पुलिस अधिकारी हैं, लेकर के आए हैं, क्या है, क्या आरोप किया है बच्ची का? अच्छा, गार्जियन से अभी तो बताते हैं क्या हुआ उसके साथ। अच्छा, अभी अपने कुछ कहा नहीं। गार्जियन क्या बोले? गार्जियन बोले हैं कि कुछ उसे पिला दिया है, अभी होश में नहीं है। उसके साथ क्या हुआ वो बता सकती बात है। तो कहाँ कहाँ लाया गया अभी? क्या अभी कहाँ से कहाँ लाया गया है? बलिगांव थाना से फातेपुर, फातेपुर से देखो कहते सदर में इलाज के लिए। कुछ इसमें दुष्कर्म वगैरह का मामला है? सुने पता चलेगा जांच के बाद। ये बलीगांव थाना अंतर्गत कल रात्रि में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना प्रतिवेदित की गई थी। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया है। घटनास्थल से सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए गए हैं। पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया है और इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी सब क्या बालिक है नाबालिक है? अभी हम लोग उम्र के बिंदु पर सत्यापन कर रहे हैं। उसी गांव का रहने वाला है? हाँ जी जी, उसी गांव के हैं। सर, कुल कितने लोग इसे सम्मिलित थे पूरी घटना में? 5 अभियुक्तों का नाम उसमें बताया गया है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, 1 के लिए छापेमारी की जा रही है।